हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 1.1 वीपीएन ऐप में कनेक्टिंग प्रॉब्लम यानी कि कनेक्टेड प्रॉब्लम को कैसे ठीक करें। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पर कनेक्ट करा रहा हूँ फ्रेंड्स, तो यहाँ पर कनेक्टिंग लिखा हुआ आता है और यहाँ पर चेकिंग इस तरीके से कनेक्शन लिखा हुआ आता है। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ आता है अनेबल टू कनेक्टेड और यहाँ पर मेरा वीपीएन कनेक्ट नहीं होता है। तो इस तरीके से अगर आपके भी साथ हो रहा है कि कनेक्टिंग लिखा हुआ आ रहा है या अनेबल टू कनेक्टेड कनेक्ट लिखा हुआ आ रहा है या चेकिंग कनेक्शन का ऑप्शन लिखा हुआ आ रहा है और आपका वीपीएन वर्क नहीं कर रहा है, कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो इसे आप किस तरीके से ठीक कर सकते हो, आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा और लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं विदाउट टाइम वेस्ट के। तो इसे ठीक करने के लिए फ्रेंड्स सबसे पहले आपको अपने प्ले स्टोर ऐप को ओपन कर लेना है। अब प्ले स्टोर ऐप को ओपन करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको सर्च आइकन पर क्लिक करके 1.1 ऐप को यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है। अब जैसे ही 1.1 ऐप को लिख कर सर्च करेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आपका वो वीपीएन देखने को मिल जाएगा। इसी पर आपको क्लिक कर लेना है और इस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स अगर आपके 1.1 वीपीएन के ऐप में कोई अपडेट आया है तो अपडेट के ऑप्शन पर क्लिक करके इसे न्यू वर्जन में अपडेट कर लेना है। आजकल डेली बाय डेली 1.1 वीपीएन ऐप में अपडेट आ रहा है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको अपडेट के ऑप्शन पर पहले आपको इसे अपडेट कर देना है और जैसे ही अपडेट कर देंगे फ्रेंड्स आपका 1.1 वीपीएन ऐप न्यू वर्जन का हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपका वीपीएन बिल्कुल अच्छी तरीके से वर्क करने लगेगा। तो पहला काम तो यही करना है फ्रेंड्स कि आपको इसे अपडेट कर देना है और अपडेट करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ से आपको बैक हो जाना है। अब सेकेंड काम ये करना है फ्रेंड्स कि आपको अपने 1.1 वीपीएन ऐप को 2 से 3 सेकेंड तक इस तरीके से दबा के रखना है, यानी कि प्रेस करके रखना है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको आई बटन या ऐप इन्फो का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको फोर्स स्टॉप का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक करके यहाँ पर आपको ओके के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको स्टोरेज एंड कैचेस या क्लियर डाटा का ऑप्शन यहाँ पर कहीं देखने को मिलता होगा, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको सबसे पहले क्लियर कैचेस के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको क्लियर डाटा या क्लियर स्टोरेज का ऑप्शन कहीं देखने को मिलता होगा, तो इसी पर आपको क्लिक करके यहाँ पर आपको क्लियर डाटा या डिलीट का ऑप्शन आता होगा, तो इसी पर आपको क्लिक कर देना है। इतना काम कर देना है, बस आपको अब यहाँ से बैक हो जाना है। अब बैक होने के बाद फ्रेंड्स अब आप अपने यहाँ पर 1.1 वीपीएन ऐप को ओपन करना है और 1.1 वीपीएन ऐप को ओपन करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको नेक्स्ट का ऑप्शन शो होगा, तो इसी पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक्सेप्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर अगर आप परमिशन को अलाउ करना चाहते हो नोटिफिकेशन को इसके, तो यहाँ पर अलाउ नोटिफिकेशन के ऑप्शन पर आपको क्लिक करके यहाँ पर आपको अलाउ के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब अलाउ के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर डिस्कनेक्टेड इस तरीके से लिखा होगा, तो फ्रेंड्स अब आपको इसी को इस तरीके से क्लिक करके यहाँ पर आपको इस तरीके से करना है। उसके बाद थोड़ी देर के यहाँ पर कनेक्टिंग लिखेगा, उसके बाद थोड़ी देर बाद यहाँ पर चेकिंग कनेक्शन लिखेगा, उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपका 1.1 वीपीएन ऐप कनेक्टेड हो जाएगा, यानी कि आपका 1.1 सुपर वीपीएन इस तरीके से वर्क करने लगेगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, पहले यहाँ पर कनेक्टेड लिखा हुआ नहीं आता था, कनेक्ट नहीं हो रहा था, अब यहाँ पर देख सकते हो कि बहुत ही ईजिली वे में यहाँ पर कनेक्टेड हो गया मेरा 1.1 वीपीएन ऐप। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से आप इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हो। तो फ्रेंड्स ये रही छोटी सी जानकारी। अगर आपको जानकारी थोड़ा सा भी हेल्पफुल और नॉलेजेबल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।